जाति जनगणना को लेकर जमुई जदयू कार्यालय से निकाली गई आभार यात्रा। पार्टी सदस्यों ने बताया ऐतिहासिक फैसला। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज सुबह जमुई जदयू पार्टी कार्यालय से श्री नीतीश कुमार को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें जिला अध्यक्ष ई शंभूशरण, जिला उपाध्यक्ष रविन्द्र मंडल, जमुई जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर रणविजय कुमार, जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुनील वर्णमाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता सदस्यों ने इस यात्रा में भाग लिया। जाति गणना करने का जो फैसला लिया है ये सूबे बिहार के आम जनता के हित में है, इसलिए इस साहसिक फैसले के लिए जिला जनता दल यू जमुई उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए आज समूचे जम्मू जिला के जनता दल यू के साथी एक आभार यात्रा निकाल करके अपने संगठन प्रभारी के अगुवाई में, आदरणीय डॉक्टर रण विजय बाबू के अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ है। और एकदम जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ये सोचने का विषय है सभी लोग बुद्धिजीवी। आज की स्थिति क्या आपकी है, कोई भी विकास का एजेंडा तय होता है जातीय आधार पर, आरक्षण के आधार पर हो रहा है। इसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, हमारे संविधान में यही था कि शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया। इतने दिनों में बहुत लोगों का शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठा है, सामाजिक स्तर ऊंचा उठा है। हो सकता है कि आज जो पिछड़े वर्ग में हो, इस जनगणना के बाद वो अगले वर्ग में आ जाएं, और जो अगले वर्ग में है उनकी भी स्थिति बदली है, वो भी पिछड़े वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए विकास के किरण को जन जन तक पहुंचाने के लिए जातीय जनगणना बिल्कुल आवश्यक है। इतना दिन जो आप विकास किए, अब आपका विकास नहीं सार्थक हुआ क्या? तो आप जाति जनगणना के बाद ही विकास आपका हो पाएगा? एकदम सार्थक हुआ, लेकिन जो होना चाहिए, महात्मा गांधी डॉक्टर लोहिया कर्पूरी जी का सपना था कि अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति तक भी विकास की रोशनी पहुंचे, लेकिन मान लिया उस समाज के वैसे लोग जिनका आर्थिक उन्नयन हो गया, जिनका शैक्षणिक स्तर बढ़ गया, जिनका सामाजिक स्तर बढ़ गया, उनको नहीं मिलके विकास का भागीदार वो बने जो आज भी बेचारा हल जोत रहा है, घास काट रहा है, जिसको नहीं मिल पाया है विकास की रोशनी, वैसे लोगों के विकास के लिए जातीय जनगणना परम आवश्यक है।